इंडियन डायस्पोरास वर्ल्ड में कहीं भी जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है। आई डोंट नो व्हाई आई हैव गॉट टीयर्स इन माय आईज। Oh man. इंडियन डांस चाहे वो क्लासिक हो, चाहे वो डिस्को हो, चाहे वो स्ट्रीट डांसिंग हो, किसी भी फॉर्म और शेप में हो, उसको पसंद किया जाता है। उसकी मेन वजह यह है कि जो इंडिया का अपना डांसिंग फ्लेवर है, जो कल्चरल इंक्लूजन है, जो फ्यूजन करके लेकर आते हैं मॉडर्न डांस प्लस कल्चरल डांस और जो लोकल लोगों के अपने स्पेशल मूव्स हैं, जो उसमें एक जिद्दत लेकर आते हैं और एक इनोवेशन लेकर आते हैं। क्योंकि इंडिया इज़ मैसिव, डिफरेंट कल्चर हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट बिहेवियर्स हैं, तो अगर उनको थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करो तो आपके इतने एक्सप्रेशन बन जाते हैं, इतने मूव्स बन जाते हैं, तो उसको आप सदियों आई थिंक उसमें यूनिकनेस रख सकते हो। इंडियन डांसर्स वर्ल्ड में कहीं भी जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है। द किंग्स, आप लोग को याद होगा, उन्होंने वर्ल्ड डांस कॉम्पिटिशन 2019 विन किया है। वी अनबीटेबल अमेरिकन गॉट टैलेंट में उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला था फ्यू वीक्स बैक। मैंने उनके डांस रूटीन पे रिएक्शन दिया था, आप लोगों ने पसंद किया था उनका डांस रूटीन भी और मेरा रिएक्शन भी। अभी उनको गोल्डन बजर मिला है अमेरिकन गॉट टैलेंट में और आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि उनकी डांस रूटीन के ऊपर भी रिएक्शन दें, तो आप लोगों की बेहतर माइज पर आइए रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ साथ मैं अपना रिएक्शन भी दूंगा, बाद में उसका रिव्यू भी करेंगे, थोड़ी बहुत बातें भी करेंगे। इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन फॉर द नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट वीडियोस। आई डोंट नो व्हाई आई हैव गॉट टीयर्स इन माय आईज, बट V.Unbeatable thoroughly deserve it। मेहनत की इन लोगों ने और सबसे ज़बरदस्त कॉज जो उनका फ्रेंड था विकास, जिसके लिए उन्होंने ये डांस कॉम्पिटिशन किया और यहाँ पर पहुँचने के लिए मेहनत की। अब देखो सब ने विकास के नाम की टी शर्ट पहनी हुई थी, यानी कि एक किट पूरी विकास के नाम की थी। वाह, उसको बोलते हैं फ्रेंडशिप, अपने फ्रेंड के लिए कुछ करना। आई होप पर वो देख रहा होगा और खुश भी होगा कि उसके 30 दोस्तों ने, 29 एक्चुअली, 30वां वो खुद था, उसके लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। गोल्डन बजर मिलना बहुत बड़ी बात है। तो V.Unbeatable, यू आर अनबीटेबल डेफिनेटली। डांस मूव्स फ्लॉलेस। मैंने शुरू में कहा था ना कि जो इंडियन डांस है उसमें एक्सप्रेशंस के साथ साथ जो उनके कल्चरल मूव्स हैं, जो एरोबिक्स हैं, उसको कोई बीट नहीं कर सकता, क्योंकि वो फ्यूजन जो निकल के आता है ना, वो बस इंडियन डांसर्स को यूनिक कर देता है। और आप देख सकते हो क्या रिजल्ट निकला है, एवरीवन जस्ट स्टैंडिंग ऑन देयर फीट और जजेस ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, गोल्डन बजर मिला। यार मेरी आवाज़ थोड़ी कप आ रही है बिकॉज आई डोंट नो लिटिल बिट सेंटिमेंट और समथिंग आई डोंट नो इमोशंस है। इस तरह के जो एफर्ट्स होते हैं ना वो यहाँ लगते हैं। आई होप के दुनिया में जो सुख नफरतें हैं एक दूसरे से ना मिलने की, ना बात करने की, दूसरे को धुतकारने की जो एक रीत बनी हुई है, वो लोग देखें इसको कि वो शख्स जो उनके साथ 6 साल पहले प्रैक्टिस करता था वो इस दुनिया में नहीं है, उसके लिए उन्होंने क्या अचीव किया है। That's it guys. I hope you liked my reaction और आप लोगों को ये वीडियो ही पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। स्टे सेफ, खुश रहें।
Assalamu alaikum and goodbye.